ओके तो डेस्टिनेशन ये हमारी डेस्टिनेशन कंट्री की लिस्ट है, देन हमें इस पे क्या लगाना है, ऑल चेंज लगाना है, तो सेलेक्ट पे लगाएंगे ऑल चेंज। अब एक फंक्शन बनाना था जो हमने कल बना लिया है या नहीं बनाया, ऑल चेंज। ये सर वॉइस नहीं आ रहे। यहाँ पे हमें ई की वैल्यू मिल चुकी है, क्या किया यहाँ पे, कॉल चेंज लगाया तो इसको फंक्शन कॉल कराया हैंडल चेंज विद करंट स्टेट, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हुआ, ई पे आया, ई की वैल्यू हमें मिल गई, एज इट इज जो पूरा सिलेक्ट इनपुट है वो मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें अगर वैल्यू चाहिए तो हम कैसे लेकर देंगे, सी का और टारगेट का, न्यूजीलैंड सेलेक्ट करते हैं, न्यूजीलैंड आ गया यहाँ पर। इसको सेलेक्ट करते हैं, इजिप्ट आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसका नेम भी निकालना है तो हम नेम भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट देंगे एचटीएमएल, नेम के अंदर क्या पास करेंगे, डेस्टिनेशन, तो डायरेक्टली ई पे क्या आ रहा था, ई ई तो पूरा के डॉट पूरा सिलेक्ट बॉक्स आ रहा था एचटीएमएल का, जो उसमें वैल्यू होगी देखो वो हमें मिल जाएगी, जो भी वैल्यू सिलेक्ट कर रहेगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे कोई नेम दिया तो हम वो भी गेट कर सकते, ये आ गया कंट्री का नेम आ गया और डेस्टिनेशन आ गया जो हमने देखा नेम दिया था, ठीक है। हमें क्या करना है, स्टेट्स बनाएंगे, सिलेक्टेड कंट्री, सिलेक्टेड कंट्री, न्यू स्टेट, मिनट। तो हम इनपुट पे भी लगाते हैं कौन सी, डेट मिल गई हमें यहाँ पे, ठीक यस है।
ओके इसी तरीके से हम यहाँ पे नेम दे देंगे डिपार्चर डेट, तो अब अगर हम डेट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो हमें दोनों चीज मिलनी चाहिए। अभी ये आ गया, नेम भी आ गया, वैल्यू भी आ गई, ठीक है, सेम टू सेम। इसके साथ करेंगे रिटर्न डेट कर देंगे सब। ओके डिपार्चर डेट आ गई, रिटर्न डेट आ गई। अब क्लियर है, सर। ओके तो अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर सारा डेटा सेट करेंगे, उसको हटाते हैं वो डेटा, उसके ये हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया, ठीक है, और हैंडल चेंज हो आगे। अब यहाँ पे
डेस्टिनेशन मिल गई हमें, डेस्टिनेशन में फिर से करेंगे, डिपार्चर डेट मिल गई। ये सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न डेट मिल गई। ओके देन हमें क्या करना है, इस वैल्यू को सेट करना है फॉर्म डेटा डेट के अंदर। सेट फॉर्म डेटा डेटा ओके, तो हम यहाँ पर कंसोल लॉक कराते हैं। फॉर्म डेटा एक फॉर्म डेटा अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्म डेटा स्टेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, सारी चीजें ब्लैंक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कंट्री सेलेक्ट करते हैं, सपोज इजिप्ट सेलेक्ट करेंगे। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्टेट है उसके अंदर डेस्टिनेशन हमें मिल चुकी है इजिप्ट से। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिपार्चर डेट सेलेक्ट करेंगे। सो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई डिपार्चर डेट की। और ये मिल गई है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, फॉर्म डेटा को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिल रही है कि हम जो भी डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज अगर हमने ये डेट डेट सेलेक्ट की है तो ये यहाँ से रिमूव हो जा रही है जब हम नेक्स्ट को स्टार्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सो इजिप्ट यहाँ पे डेट आ गई। ये हमारे पास पूरा डेटा स्टेट के अंदर मैनेज हो गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने ऑपरेटर लगाया है ये क्यों लगाया है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, पहले प्रॉब्लम देखते हैं, मैं प्रॉब्लम क्यों फेस क्या फेस हो रही थी फिर समझते हैं इसको। सो हमें क्या, हमारा टास्क क्या था, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पूरा फॉर्म का डेटा मैनेज करना था। अब या तो हम स्टेट के अलग अलग स्टेट बना के कर सकते थे या फिर एक ऑब्जेक्ट बना के उसको कर सकते थे। अलग अलग स्टेट बनाते तो हमें नंबर ऑफ कोट्स लाइन ऑफ कोट्स ज्यादा लिखना पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर ही हम हमारा पूरा फॉर्म का डेटा स्टोर करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक का फंक्शन समझ में आया सभी को, कैसे स्टोर कर रहा हूँ मैं फॉर्म डेटा को स्टेट के अंदर, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर ये जो लिखा है डेटा ई डॉट टारगेट डॉट नेम, इसमें जो डिस्ट्रक्चर किया है सर, ये समझा दीजिए कैसे किया ये जो है। ई डॉट और टारगेट डॉट नेम लिखा है, ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी डिफाइन है और अगर आपको वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी है तो आप क्या करते हो, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट रहता है प्लस उसका उसकी की देते हो और न्यू वैल्यू दे देते हो, सो आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है। कैसे, ये हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पे एक नेम है, अभी नेम यहाँ पे राहुल है। ठीक है, अगर मुझे इस नेम को चेंज करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, डेटा नेम मैं यहाँ पे जो भी नेम डालूंगा वो चेंज हो जाएगा अंशुल। अब अगर आप डेटा को प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा नेम अंशुल हो चुका है। ठीक है, उसी तरीके से इसी वे में मैंने क्या किया है, यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट नेम को लिया है। सो यहाँ पे मैंने हर एक चीज का नेम डिफाइन कर रखा है, डेस्टिनेशन रिटर्न डेट डिपार्चर डेट। ठीक है, सो जब भी यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे, कोई डिपार्चर डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे तो इसकी की के अंदर हमें नेम मिल जाएगा जो कि
डेटा ऑब्जेक्ट की की से मैच होगा और जो भी वैल्यू रहेगी उसे वो चेंज कर देगा, तो स्टोर हो जाएगी। एंड मैं कैसे हुआ ये? यस सर, समझ गए। ओके, सो अब हमें प्रॉब्लम क्या फेस हो रही थी, देखो यहाँ पे ये हमने डेस्टिनेशन लिया, नेपाल सेलेक्ट किया। नेपाल तो हमें मिल गया है, ठीक है। अब डिपार्चर जब हम सेलेक्ट करेंगे डेट, तो आप देखोगे यहाँ पे डेस्टिनेशन हट गया है हमारा, जबकि हमारा नेपाल पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है। अब ये क्यों हटा है? क्योंकि जब भी हम जैसे ही हमने यहाँ पे डिपार्चर डेट सिलेक्ट की, तो जो हमारा ये डेटा था ये क्या हुआ, फिर से इनिशलाइज हुआ। सारी वैल्यूज क्या हो गई, निल हो गई, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग में स्टोर हो गई, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट हमने क्या स्टोर किया था, नेपाल स्टोर किया था और यहाँ पे सेट कर दिया था, तो वो नेपाल की वैल्यू तो लेके गया, बट जब सेकंड टाइम आया वो हमारे पास, तो उसे क्या मिला, डेस्टिनेशन ब्लैंक मिली, और उसने डेस्टिनेशन को ब्लैंक कर दिया और सिर्फ डिपार्चर डेट को स्टोर किया।